आज होगी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है ट्रिपल टी, यानी ट्रेंड, टेरर और तालिबान होगा। इस बैठक में अफगानिस्तान के हालात और दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थितियों पर होगी चर्चा। मोदी और बाइडेन के व्हाइट हाउस में आमने सामने होंगे, ये पहला मौका होगा जब दोनों की 1-to-1 मीटिंग होगी। मोदी और बाइडेन के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी के एजेंडों पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की, पीएम ने भारत आने का दिया न्योता। पीएम मोदी की ये पहली बार किसी भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात थी। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि आपका उपराष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण घटना, आप दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पीएम मोदी ने कमला हैरिस भारत आने के लिए आमंत्रित किया, कहा कि मैं आपका भारत में स्वागत करना चाहता हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई ऊंचाई देने की जरूरत बताई। कमला हैरिस ने कहा कि भारत के इस फैसले से बहुत खुश हूं कि वो फिर वैक्सीन एक्सपर्ट करने जा रहा है। हैरिस ने भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की सराहना की और कहा कि हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना एक प्रभावशाली कदम है। सुरक्षा के मामलों का जिक्र करते हुए हैरिस ने कहा कि दोनों ही देश हिंद और प्रशांत महासागर में फ्री ट्रेड और फ्री रूट को महत्व देते हैं। कमला हैरिस ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी भारत ले रहा है, दोनों देश मिलकर पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाएंगे और दुनिया का इसका सही प्रभाव पड़ेगा। टॉप अमेरिकी सीईओ से मोदी की मुलाकात, 5G और डिफेंस से लेकर डिजिटल इंडिया तक की कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम ने जिन सीईओ से बात की उनमें क्वालकॉम, ब्लैकस्टोन ग्रुप, एडोप, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ शामिल हैं। क्वालकॉम के सीईओ ने भारत में 5G सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से मुलाकात में मोदी की भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर बात हुई। एडोप के सीईओ शांतनु नारायण ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि लोग कंपनी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में की ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात, कोरोना डिफेंस समेत विभिन्न मुद्दों पर दोनों की हुई चर्चा। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से हुई मुलाकात, भारतीय समय मुताबिक देर रात हुई ये मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई पीएम दोनों देशों के बीच आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों का गहरा करने के उद्देश्य से कई विषयों पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की बात। पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल। उमरिया में देर रात कलेक्टर ने बस का किया औचक निरीक्षण, क्षमता से ज्यादा सवारी पाए जाने की कार्रवाई। शुजालपुर आष्टा हाईवे पर शिक्षिका को ट्रेन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, जामनेर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ टीचर। महासमुंद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में राज्य ट्रांसजेंडर बोर्ड के सदस्य और किन्नर समाज हुए शामिल। रायसेन के उदयपुरा बैगमगंज
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन प्लांट की मिली सौगात, अब तहसील के आसपास वाले इलाकों में भी की जा सकेगी ऑक्सीजन की सप्लाई। बड़वानी एसडीएम धनश्याम धननगर के निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया, इस दौरान एक अस्पताल के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी, एसडीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। उमरिया में पुलिस ने युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के घर पर की छापेमारी, 45 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की, पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कोरबा में चोरों का आतंक जारी, सीएसईबी कॉलोनी के दो क्वार्टरों में की चोरी। शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया, साथ ही 1,80,000 की कीमत की कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्रियों को भी नष्ट किया। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियार के दम पर तीन बदमाशों ने युवती से की छेड़खानी। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों के आवंटन मामले को लेकर व्यवसायी और बीजेपी युवा मोर्चा ने किया चक्का जाम, मौके पर मौजूद थी भारी पुलिस बल। दंतेवाड़ा में दो बाइक के बीच हुई टक्कर, किरंदुल थाना क्षेत्र का मामला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चडोल के बुढ़ार पुलिस ने 16 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 92,000 से ज्यादा रुपए किए जब्त। अभिनव बिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को दिया स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट में पप्पी मिलने पर नीरज चोपड़ा ने जताई खुशी। नीरज चोपड़ा ने दोपहर का लंच अभिनव बिंद्रा और उनके परिवार के साथ किया, इस दौरान नीरज ने अपना मेडल भी परिवार के सभी सदस्यों को दिखाया। एक्ट्रेस कृति सनन ने फिल्म गणपत के लिए जमकर किया वर्कआउट, वीडियो हुआ वायरल। श्रीदेवी के गाने पर झूमकर नाची पाकिस्तानी अभिनेत्री आयजा खान, फिल्म चांदनी के गाने पर किया डांस, डांस का वीडियो इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। रश्मिका मंदाना ने रिक्रिएट किया एक चुटकी सिंदूर वाला सीन, वीडियो पर दीपिका पादुकोण ने किया रिएक्ट। शाहिद कपूर और अली अब्बास की फिल्म सनक ओटीटी पर होगी रिलीज, फिल्म फ्रेंच मूवी न्यू ब्लैक्स की होगी हिंदी रिमेक। एक अक्टूबर से होंगे ऑटो डिबेट नियम में कई बदलाव, आरबीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट का ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एएफए को किया लागू। 9 अक्टूबर से शुरू होगी मुंबई सिंधुदुर्ग के लिए फ्लाइट, एयरलाइंस एयर के यात्री भर सकेंगे उड़ान। स्टील की कीमतों में आई कमी, दो महीने में स्टील 13.5% हुआ सस्ता, एक बार फिर आयरन के भाव घटने से स्टील की कीमत साल भर पुराने स्तर पर लौटा। ऑडी की नई इलेक्ट्रिक कार हुई लॉन्च, ऑडी की ई-टॉन पावरफुल कार मात्र 3.3 सेकंड में 100 किलोमीटर तक रफ्तार पकड़ सकती है।